नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा, मुनीषा फैशन। अब वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं आपको दिखाऊंगी आज हम हाफ बैंड कैसे बनाते हैं और इसमें क्या मटेरियल लगाया जाता है। देखो, बैंड जो होती है वो सॉफ्ट होने चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम टैटून की बैंड लगाते हैं, लेकिन हम टैटून की बैंड बुटीकों में ये काम नहीं होता। हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग पेपर की बैंड लगाएंगे जिससे वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और वो खड़ी खड़ी भी रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। टैटून की वो थोड़ी सी सख्त और हार्ड रहती है जिससे कि वो थोड़ी चुभती रहती है, लेकिन इससे क्या होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। अब ये देखो बैंड, ये मैंने एक पीस लिया है और अब मैं इस पर बनाऊंगी। मेरी बैंड आई है 12 इंच, तो मैं क्या करूंगी, इसको डबल करूंगी और 12 इंच का फैब्रिक कट करूंगी। मैं 13 लेती हूँ। अब हम इस पर पेस्ट करेंगे फ्यूजिंग पेपर। ये देखिए, हम ब्लैक फ्यूजिंग पेपर लगा रहे हैं क्योंकि कलर डार्क है, वाइट इसलिए नहीं लगाई हमने। अब ये देखिए, ये हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा। ये हम ऐसे डबल कर लेंगे, ये हमने ऐसे डबल की, तो हमारी बैंड कितनी है, 6 इंच, क्योंकि खुल के 12 हुई है ना, तो हम 6 इंच की लेंगे। लगभग 6 इंच की बैंड ही सबकी सेटिंग हो जाती है। वैसे कोई 13 भी ले सकता है अगर बड़ी डालता हो, बट 6 इंच की बैंड सबको अच्छी सही से आ जाती है। तो हम यहाँ पर 1 mm लेंगे जो कि एक पैर पर सिलाई के लिए, और ये लेंगे हम बैंड 1.25 इंच की। ऊपर से हम इसको राउंड देंगे, ये देखो। हल्का सा राउंड देंगे, वैसे आप मेजर कर सकते हो, और हल्का सा हम ये राउंड देंगे। तो ये देखिए परफेक्ट बैंड हमारी ये जो आएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर परफेक्ट बैन आई है, बिल्कुल परफेक्ट बैन। ये देखिए, देख रहे हो ना कैमरा, प्लीज दिखाइए। ये देखिए परफेक्ट बैन। अब हम इसको लगाएंगे और फिर आपको पूरा सूट दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो अगर हम पूरा बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कीजिए लाइक कीजिए, तभी मैं आपको आगे फुल वीडियो दिखाऊंगी, मैं कैसे बैंड को बनाती हूँ, इस पर कैसे, ये मैं पूरा पीस ये मैं साड़ी से तैयार कर रही हूँ और ये कितना अच्छा बनेगा ये मैं पूरा आपको वीडियो में दिखाऊंगी। लास्ट में पूरा पीस बनाती हूँ, इस पर फिनिशिंग पट्टी लगाऊंगी, मिरर वर्क लगाऊंगी, इस पर कैसे मैं इसको तैयार करती हूँ वो दिखाऊंगी आपको। ये पूरा पीस तैयार होके फिर आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।